देखिए बारिश समाप्त हो चुकी है, अभी सिर्फ बादल गरजते हैं कभी कभी, हो सकता है थोड़े टाइम बाद बारिश आए, लेकिन अभी तो बारिश एकदम बंद हो गई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं नासिक में और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। यहाँ पे क्या सब जगह पे बारिश शुरू हो गई, मुंबई में भी, और बारिश का मौसम आ गया है। तो आप सभी को हैप्पी मानसून। और कल था बारिश का पहला दिन, लेकिन कल बहुत ही कम बारिश आई यहाँ पे। अचानक से आधी तूफान आया, लेकिन कुछ ही बारिश आई थी, लेकिन मुंबई में ज़्यादा बारिश आई थी। लेकिन आज यहाँ पे थोड़ा बारिश आया, बहुत ही अच्छी बारिश हुई। अभी देखिए मौसम साफ़ हो गया, खुल गया है पूरा, और हम छतरी लेके आए हैं, लेकिन छाता बंद किए हैं क्योंकि बारिश आई थी, चली गई है। लेकिन अचानक से बारिश आई थी तो हमने रिकॉर्डिंग किया है, तो आप जाके देखिए। अभी इसके आगे इन्जॉय करिए कैसे बारिश आई थी, फिर आगे चलते हैं, आपको आगे का दिखाते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो गाइस देखिए, नासिक में बारिश स्टार्ट हो गई है और ये पहली बारिश है यहाँ पे। और कल शाम को हल्की बारिश आई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन अभी देख सकते हैं कितना तेज़ बारिश हो रही है। 4:48 हो रहे हैं, मतलब 5 बजने वाले हैं, और बारिश आ गई यहाँ पे। बादल बहुत तेज़ी से गरज रहा है, देखिए यहाँ पे। अब बच्चे लोग सामने हैं, बहुत ही शोर कर रहे हैं, नहा रहे हैं, और सामने देखिए पेड़ कैसे झूम रहे हैं, मस्त हवा चल रही है, बहुत ही आनंद में है। और पेड़ की हरियाली देखिए, मौसम बदल गया, कितना हरा भरा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये पहली बारिश है, मन कर रहा जाके बारिश में नहाएं, लेकिन बोलते हैं पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए। और देखिए यहाँ पे पानी गिर रहा है। तो आपने देखा कितना तेज़ बारिश आ गई थी, अचानक ही बारिश आई, बादल गरजने लगा, और अभी तो मौसम साफ हो गया, देख सकते हैं ये जंक्शन यहाँ पे। और ये है आनंदवाली गंगापुर रोड, है ये अंदर आनंदवाली गाँव जाता है। सामने देखिए आनंदवाली का पुलिस चौकी है, और आगे हम चलेंगे, वहाँ पर चाय पानी पियेंगे और आपको नज़ारा यहाँ का दिखाते हैं। तो अंदर जाएंगे, ये चांदसी रोड है, और ये जंक्शन देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है, हमेशा गाड़ी चलते रहती है। सामने देखिए आनंदवाली पुलिस चौकी है, और ये गंगापुर रोड है, यहाँ से जा सकते हैं कहीं भी घूमने। और ये आगे का चलते हम घूमते हुए उधर आगे, और इधर देखिए पूरा है खाने पीने का है, लेकिन अभी बंद है यहाँ पर। शाम को बारिश नहीं रहती, पूरा खाने पीने का यहाँ पर लगता है दुकान। और आगे चलते हैं हम, देखिए मौसम कितना साफ़ हो गया है, बादल देखिए, मस्त नज़ारा यहाँ पे, गाड़ियाँ देखिए कितना ज़्यादा हैं। उस साइड में पूरा खाने का ही दुकान लगा हुआ है। तो आपने देखा यहाँ का नज़ारा कैसा है, बहुत ही शाम का मौसम है, बहुत ही अच्छा है, मतलब ठंडा ठंडा हो गया है बारिश आने से। और अभी चल रहे हैं, चाय पानी पियेंगे, आगे चाय का दुकान है। और बारिश आई तो ऐसा लग रहा था कि जाके नहा ले बारिश में, लेकिन पहला बारिश था तो हमने नहाया नहीं। गांव में रहते थे तो नहाते थे बारिश में, जब आती थी बहुत ही एंजॉय करते थे गांव में। तो आगे चलते हैं, आपको आगे का दिखाते हैं। आगे देखिए बोर्ड लगा हुआ, अहमदाबाद, सूरत, धुले, पुणे, शिरडी, औरंगाबाद। तो ये रोड से आप जा सकते हैं अहमदाबाद, शिरडी, पुणे, जहाँ भी जाना है। तो सामने देखिए बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, और बादल देखिए कितना सुंदर है, काला काला है, वाइट वाइट है। और ये रोड देखिए, सब लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और इधर देखिए कपड़े का शॉप है, यहाँ पे सभी टाइप के कपड़े आपको मिल जाएंगे, फुटवियर से लेके सभी कुछ। और इनकी देखिए बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? हाँ स्टार्ट नहीं हो रही, ठंडी हो गई है बारिश में, तो बाइक ठंडी हो गई है बारिश में। और यहाँ पे देखिए डॉगी घूम रहे हैं सब, ये देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, एक इधर डॉगी है, एक इधर और एक उधर है, बहुत सारे डॉगी यहाँ पे हैं।
और इधर पूरा होटल है खाने पीने का। देखिए बापू फिश पॉइंट आईता है होटल। ये देखिए भाग रहा कुत्ता। तो हम चल रहे हैं आगे घूमते हुए, आगे एक चाय का शॉप है तो वहाँ पे बराबर चाय पीते हैं, बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं। तो वहाँ चाय पियेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे कहीं प्लान रहेगा तो चलेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए पानी कितना भर गया है, कहीं कहीं पे पानी ज़्यादा भर जाता है। अभी हम पहुँच चुके हैं पेट्रोल पम्प के पास में। देखिए पीछे भी पेट्रोल पम्प है और इस साइड भी है, दो दो पेट्रोल पम्प साथ में है। यहाँ पे नज़ारा बहुत ही अच्छा आ रहा है, व्यू देखिए सामने का, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा यहाँ का है, आसमान देखिए कितना क्लीन दिख रहा है, एकदम मस्त। बादल थोड़े थोड़े हल्के हल्के दिख रहे हैं और इस तरफ देख सकते हैं गाड़ियाँ कितना ज़्यादा जा रही हैं। और इस तरफ देखिए पूरा पेट्रोल पम्प, इधर भी है पेट्रोल पम्प और ये साइड में भी पेट्रोल पम्प है। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो हमें अभी और आगे चलना है, आगे ही चाय की शॉप है तो वहाँ पर चलते हैं, चाय पीते हैं। और यहाँ पर गाड़ी हमेशा आते जाते रहती है, देखिए बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क रहता है यहाँ पर। देखिए चाय हमने ले लिया है और बहुत अच्छी चाय है। इसमें चाय में अदरक है, लेमन ग्रास है, तो बहुत ही टेस्टी चाय है। और देख सकते हैं चाय की शॉप कहाँ पे है, गाड़ी में लगी हुई है। नासिक में ज़्यादातर शॉप आपको ऐसे ही मिल जाएगा गाड़ी के अंदर, सिलाई का शॉप हो गया और खाने पीने का सब कुछ गाड़ी में ही लगा रहता है। मुंबई में तो गाड़ी में नहीं मिलेगा, लेकिन नासिक में हमने बहुत जगह पे देखा है, सब ऐसे गाड़ी रोड के साइड में खड़ा करके शॉप लगाते हैं, फिर शाम को गाड़ी को लेके चले जाते हैं। तो कैसा आइडिया है, अच्छा आइडिया है ना। तो चाय बहुत ही टेस्टी रहती है क्योंकि इसमें लेमन ग्रास है, अदरक है और चाय पत्ती धूप रहता हो तो रह गई। तो पीते हैं फिर चलते हैं आगे। हमने चाय पी लिया है और ये छाते का लगता है काम लगेगा नहीं अभी, क्योंकि बारिश बंद हो गई तब से आई नहीं है। और ये देखिए साइकिल लेके चलाने जा रहे हैं कहीं से। और अभी आगे चलते हैं, सामने एक कॉलेज आपको दिखाते हैं, भोसला मिलिट्री कॉलेज है। और साइड में देखिए एक और शॉप है, गन्ने का जूस का शॉप है ये। और ये भी देखिए गाड़ी में ही शॉप लगी हुई है, तो आपको रोड के साइड में ऐसी शॉप आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगी। और दिखाते हैं आपको यहाँ का कॉलेज है। तो सामने देखिए भोसला मिलिट्री कॉलेज है, स्वतंत्र वीर सावरकर प्रवेश द्वार। तो यहाँ ये प्रवेश द्वार है, मेन गेट है, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं जहाँ से हम चाय पी के आए हैं। और ये आगे जाएंगे तो देखिए वहाँ पे। तो ये जो कॉलेज देखा आपने पीछे है, भोसला मिलिट्री कॉलेज है। तो इसमें मिलिट्री का कुछ पढ़ाई वढ़ाई शायद होता होगा, हमें ज़्यादा पता नहीं अंदर, लेकिन सामने लिखा है भोसला मिलिट्री कॉलेज तो पढ़ाई होता होगा। और ये सामने का रोड देखिए, पहले रोड अच्छा था लेकिन अभी इसमें काम चालू है तो फिर से खुदाई होकर नया रोड बन रहा है। और आगे जाएंगे ना तो पूरा बहुत ज़्यादा फ्रूट का शॉप आपको मिलेगा। और एक देखिए बैग पहले मतलब झोला का शॉप है, देखिए गाड़ी में लगा हुआ है। देखिए सर जी का शॉप है यहाँ पे, और ये घूम मतलब नासिक में ही सेल करते हैं, बैग है अलग अलग टाइप के हैं और बताएंगे आपको कुछ रेट यहाँ पे।
कहाँ कहाँ पे नासिक में बेचते हैं ये? हम मोस्टली नासिक के हर पॉश एरिया में बेचते हैं, यानी मोस्टली आधा नासिक में हम सेलिंग करते हैं। हाँ, जिस तरीके से एक हिसाब से हम ये लोगों को सर्विस दे रहे हैं। हाँ, या लोगों को इतना आज के प्रोडक्ट में इतनी महंगाई के ज़माने में पेट्रोल के इसमें बाजार जाना होता ही होता है, तो हमने बैग के तमाम प्रकार एक जगह पर ला के रख दिए ताकि लोगों को ऑन द स्पॉट ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाए, और उनमें रिजनेबल रेट में भी रहता है और लोगों को अच्छा भी लगता है कि हाँ हमारे को टाइम पर हर चीज़ मिल जाती है। तो झोला सर जी अलग अलग इनका पॉइंट है, सेंटर है, तो अलग अलग सेंटर पे जाके वहाँ पे सेल करते हैं, ये एक पॉइंट है। और भी कहाँ कहाँ पे? जैसा ये कॉलेज रोड हो गया, जे रोड हो गया, पातड़ी हो गया, सिडको हो गया, और नासिक रोड हो गया, तो नासिक के जितने भी अच्छे पॉश एरिया है तो उस जगह पे ही जाता है। मोस्टली 10 से 12 एरिया है, यानी शॉर्टकट में मैं बताऊँ तो आधे नासिक में हम माल सप्लाई करते हैं। आधे नासिक में माल सप्लाई करते हैं, अलग अलग डेज को अलग अलग जगह पे रहते हैं। यस यस। तो आपको कुछ थैले जो है मतलब बैग हैं दिखा देते हैं, क्या क्या रेट है कुछ बता देते हैं। जी देखिए, इसमें जूट है, इसमें कलमकारी पैटर्न है, फिर आपको नायलॉन फैब्रिक है, सैटिन है, जैसे चाहिए हर कस्टमर की हर रुचा में मिल जाती है। देखिए बहुत सारे टाइप के झोला यहाँ पे हैं, आपको एक दो का रेट बता दीजिए। जी जैसा आपको मैं बताऊँ, जैसा ये मार्केट में इसका 240 है, हम 180 में देते हैं। एक ये हो गया, ये बड़ा 240 है, 200 रुपये तक दे देते हैं हम ये। आपको बताओ टिफिन की बैग है जो अभी नासिक में बहुत ज़्यादा चल रही है, इसमें कैसे 1 लीटर की बॉटल आती है और टिफिन डब्बा आ जाता है, और मोस्टली ये हम 100 रुपये तक देते हैं। अच्छा, तो आपने देखा यहाँ पे बैग का बिजनेस कर रहे हैं कैसा, मतलब इनका नासिक में अलग अलग पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट हो गया कॉलेज रोड पे, तो ऐसे मतलब अलग अलग जो प्लेसेस हैं वहाँ पे इनका पॉइंट है बोलते हैं, तो अलग अलग डेज को वहाँ पे जाके ये लगाते हैं, सेल करते हैं लोगों को, मतलब अच्छा है सुविधा, सभी टाइप के झोले यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये अगर आपके नासिक से वीडियो देख रहे हैं, आपके एरिया में सेल करते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।